नमस्ते दोस्तों। तो आ गए हम एक और यूनिक रेसिपी के साथ, जो है हमारा भुट्टा की सब्जी बनाएंगे स्वीट कॉर्न की। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है। बारिश के सीज़न में भुट्टा बहुत मिलते हैं, और कुछ चटपटा खाने का मन होएगा तो आप इस तरीके से भुट्टा की सब्जी बनाइए स्वीट कॉर्न की, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो जो हमारे चैनल पर नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो देखिए हम बनाने का प्रोसेस चालू कर दिए हैं। तो देखिए हमने 3 चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें थोड़ी सी जीरा, छोटी चम्मच से हमने जीरा डाल दिया, और जीरा भूनने के बाद 1 बड़े चम्मच से हमने लहसुन डाल दिया, और लहसुन को हम थोड़ा सा भून के इसमें 1 बड़े साइज़ का ऑनियन बारीक चॉप करके इसमें डाल, गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऑनियन को भून लिए हाई फ्लेम पे, और इसमें हम 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और इसे हम मिला लेते हैं। बस 1 से 1.5 मिनट हमें मिलाना है, ज़्यादा टाइम नहीं, और गैस को मीडियम कर दीजिए मसाला डालते टाइम पे। और इसमें थोड़ी सी हमने अदरक और 1 मिर्च को चॉप करके डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है, आप रोटी पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं, इतना लाजवाब हम स्वीट कॉर्न का रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए हम इसमें 1 टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दिए हैं, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अभी गैस को मीडियम ही रखिए, हाई मत कीजिए, और स्वाद के अनुसार नमक डाल मिक्स कर लेते हैं। देखिए हम मिक्स कर लिया, और इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट, जब तक के लिए टमाटर हमारा जो है गल ना जाए तब तक हम इसे भूनना है। तो ढक के भून लीजिए। तो इधर देखिए हम 10 से 12 काजू ले लिया है, और इसे हमने पानी में डाल के रख दिए। तो 10 मिनट पहले चाहे तो आप गुनगुना पानी में रख सकते हो, या तो ऐसे ही। तो इसे हम डाल दिए मिक्सर के जार में। एक्चुअली हम इसे बारीक से एकदम स्मूदली सा पेस्ट बनाना है, इसको दरदरा नहीं पीसना, एकदम बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो देखिए हमने बना लिया, और इधर हमारा टमाटर जो है 4 से 5 मिनट हो चुका है, तो देखिए मेल्ट हो गया अच्छे से। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा 1 से 2 बूंद पानी डाल देते हैं, जिससे और अच्छे से हमारा जो है मसाला गल जाए। तो देखिए हमने 1 से 2 मिनट और भून लिए, इसे ढक के और भून लेते हैं। तो देखिए 1 से 2 मिनट और भून पकाने के बाद अभी हम जो काजू का पेस्ट बनाए थे इसमें डाल देते हैं। आप इसके जगह पे मगज का बीज भी ले सकते हैं, अगर आपके पास काजू नहीं है तो मगज का बीज ले लीजिए, और सेम उसे भी भिगो के रखिए, और इसी तरीके से पीस के इसमें ऐड कर दीजिए। इससे डालने से बहुत ही लाजवाब लगता है। नहीं, अगर आपके पास दोनों चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके जगह पर आप घर का मलाई ले लीजिए, उसे फेंट के डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ही लाजवाब लगेगा, इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए, और थोड़ी सी गरम मसाला, और ये हम कस्तूरी मेथी डाल दी। तो कस्तूरी मेथी डालिए ज़रूर, क्योंकि इसके डालने से आपका रेस्टोरेंट का टेस्ट फ्लेवर सब आएगा, और बहुत ही यमी लगेगा। इसके आगे आप रेस्टोरेंट का शाही पनीर भी नहीं पसंद करके, इतना लाजवाब ये रेसिपी लगता है। तो हमने जिसमें काजू को पीस के रखा था उसी में पानी डाल के मिक्सर में डाल के इसे डाल दिया, और मिक्स कर लेते। ये देखिए हमारा कॉर्न 1 कटोरी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग जैसे बनाना चाहे, ज़्यादा या कम बना के आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने 1 कटोरी ले लिया है 1 कप के करीब, और इधर हमने पैन रख दिया, हम दूसरे गैस पे ग्रेवी पकने के लिए साइड में रख दिया, और इधर हम स्वीट कॉर्न को भूनना है। तो 1 चम्मच हमने बटर भर के डाला, और छोटी सी पैन ले लिया, और इसे मेल्ट करके इसमें हम स्वीट कॉर्न को डाल दिए, और इसे हमें हल्का सा भूनना है, इसे बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। तो हमने गैस को हाई रखा है, और इसे बस ऐसे ही हल्का सा सौती करना है, जिससे ये अच्छे से भून जाए। तो देखिए हम इसे हल्के से ही भूनेंगे, देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है, तो ये मतलब हमारा भून गया। तो हम इसे साइड में रख देते। चलिए हम फिर से दिखा देते अपना मसाला। तो देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भून के रेडी हो गया है, तो इसे हम इसी में डाल देते फटाफट, गर्मा गर्म ही इसमें डालिए, ठंडा करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें गरम फटाफट डाल दीजिए, पहले भून के मत रखिए, पहले ग्रेवी तैयार कीजिए, उसके बाद ये ऐसे ही थोड़ा सा रोस्ट कीजिए। आप इसके बटर की जगह पे तेल भी ले सकते हैं, और इसमें देखिए हम थोड़ी सी क्रीम ले लिया, तो ये घर का मलाई है, हम दूध जैसे बच रहता है लाते हैं तो उस ऊपर से मलाई जो जमते हैं तो निकाल के रखते हैं, तो मैं जो है इसे सब्जी समय ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं वो घी बनाने के लिए नहीं रखती हूँ, ज़्यादा रहता तो रखती हूँ, थोड़ा बहुत रहता तो हम डाल देते सब्जी में। तो देखिए हमने इसमें डाल के मिक्स कर लिया, और पानी आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए हम इसे डाल के अभी ढक के मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट कुक करेंगे, एकदम मीडियम गैस को रखिए, और देखिए 6 से 7 मिनट में जो है हमारा सब्जी कितना अच्छा बन गया है। तो ऊपर से हम थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल के
देखिए मिक्स कर लीजिए और कितना लाजवाब सा यम्मी, आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको बराबर समझ में आएगा। आप टेस्ट करेंगे तो आपको बार बार मनाने का बंद करके, बच्चे या बड़े ये इतना लाजवाब लगता है, सभी को बहुत ही पसंद आने। अगर एक बार बना लेंगे ना तो आप हफ्ते में एक से दो बार तो ज़रूर ही बनाएंगे, क्योंकि इतना ये लाजवाब लगता है। ऊपर से थोड़ी सी पनीर ग्रेट कर दिया और धनिया पत्ता और थोड़ी सी हमने अदरक डाल के गार्निशिंग कर लिया और चलिए गर्मा गर्म हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही लाजवाब लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई। तो हमें कमेंट करके बताइएगा जो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के।